अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तमाम जो ना मेरे व्यूवर्स को, तमाम अहले इस्लाम को जो ना मेरी तरफ़ से ईदुल्फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, सबको जो ना मेरी तरफ़ से और सबकी फैमिलियों को जो ना ईदुल्फितर बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी इससे जो ना दुनिया में मुसलमान हैं, सबको मेरी तरफ़ से दिल की इता गहराइयों से जो ना ईदुल्फितर की बहुत बहुत जो ना वो मुबारकबाद। तो आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार इस ईद की खुशियों में जो ना ख्याल रखें गरीब लोगों का जो कि मुस्तहिक हैं, उनको जो ना कोशिश करें कि अपने साथ जो ना वो ईद की खुशियों में शरीक करें, ताकि वो भी जो ना इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी खुशियाँ जो ना वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो आज की जो हमारा जो व्लॉग होगा वो ईद उल जो ना फितर के साथ आपको आप लोगों के साथ ही होगा। इंशाल्लाह हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम जो विलेज में किस तरह से दोस्तों के साथ जो ना वो ईद मनाते हैं और किस तरह हमारी नमाज जो ना अदा होगी, यहाँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो ना काज साहब ऐलान कर रहे हैं मस्जिद में कि जो नमाज है वो 7:30 पर होगी, तो बस 5 मिनट रह गए हैं। अभी मैं घर से निकल आया हूँ, तो जाके तो नमाज जो है ना वो अदा की जाएगी और बाद में जाके तो मीठी मीठी सेवइयां भी खाई जाएंगी और फिर कुछ घर का सामान ले लेने जाना वो भी जो ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सब कुछ जो ना आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है, तो व्लॉग को जो ना लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये सामने हमारी मस्जिद है, इधर आके तो वहाँ हम चलते हैं। तो आ जाएंगे के इमाम साहब हैं, काजी साहब, जो ईद की नमाज जो है ना वो अदा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबकी मुबारक मुबारक। अब आप जो देखने वाले हैं अहले इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मौके के ऊपर? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही ईद की नमाज़ हम पढ़ के फारे होंगे, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की बख्शिश फरमाए और हमारी भी बख्शिश और सबके रोजे तरह में कबूल करें इंशाल्लाह। अभी जनाब ईद की जो नमाज है वो अदा कर ली गई है और मैं जो ना घर आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा जो ना अच्छा लगा है, सब अपने जो ना भाइयों से मिलके सभी लोग इकट्ठे थे ईद की नमाज़ के लिए। तो अभी हम जो ना अपने घर के छत के ऊपर हूँ, मैं अभी सेवइयां खानी है। तो मम्मा नीचे जो ना वो सेवइयां तैयार कर रही हैं, तो जाके तो सेवइयां टेस्ट करते हैं, क्योंकि ईद की नमाज़ के बाद आके ना तो सेवइयां खानी चाहिए, मुँह मीठा हो जाता है और वैसे भी इस्लाम में ये खाई जाती हैं। तो अभी हम जो ना नीचे चलते हैं और नीचे जाके तो सेवइयां टेस्ट करते हैं कि मामा ने जो सेवइयां हैं वो कैसी बनाई हुई हैं। तो आप में से कौन कौन जो ना वो सेवइयां खाता है ईद पे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर अभी जो ना वो चलते हैं और सेवइयां टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैंने बाज़ार जाना है, कुछ सामान लेके आना है, चिकन वगैरह खाने के लिए मामा लोग कह रहे थे, तो और भी कुछ सामान लेके आना, तो फिर बाज़ार चलेंगे। तो चलिए अभी पहले सेवइयां खाते हैं। तो ये जी हमारी सेवइयां आ गई हैं, ये शक्कर और ये दही।
तो चलिए अभी जो ना वो टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी जनाब चेक कर लेते हैं सवैया, दही जो ना हमारा घर का है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो ना मामा लोगों ने इसको जमाया हुआ है। ये शक्कर आप में से कौन कौन जो है वो सैया लाई करता है नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ेदार सोइयाँ बनी हैं, तो अभी हम सोइयाँ खा रहे हैं, सोइयाँ खा के तो फिर आपको मिलते हैं। चलो ठीक है। तो अभी जनाब हम लोग इस टाइम खड़े हैं अपने मेन रोड के ऊपर, सीधा जाता है किंगरा टाउन, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि ज़रा सामान ले के आना है चिकन वगैरह, तो इसलिए जो ना अभी नमाज पढ़ के तो दोस्तों से ईद वगैरह मिल के तो अभी मैं आ गया हूँ। अभी चलते हैं किंगरा टाउन और वहाँ से कुछ सामान लेना है, चिकन वगैरह लेना है, तो साथ जो ना आपको थोड़ा सा किंगरा टाउन का विज़िट करवाते हैं इस टाइम किंगरा टाउन में क्या जो ना माहौल है। तो चलिए अभी जो ना किंगरा टाउन, तो मैं अभी बाइक पे आया हूँ, तो बाइक पे जो ना हम लोग जाएंगे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो चलिए अभी जो ना आपको किंगरा टाउन जा कर ना इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग। चल चलेंगे तो और अभी चिकन जो ना भाई चले। तो अभी जनाब हमने अपने जो काम थे वो सारे खत्म कर लिए हैं, बाजार से भी मैं होकर वापस आ गया हूँ, और जो आपको मिलाना था ये मेरे नाना अबू जान है और ये मेरी नानी अबी जान है। जब हम छोटे होते थे ना तो हमने जब भी जाना इनके पास जाना तो इन्होंने हमें जो ना ईदी देनी, और हमने जो ना घर वालों से झगड़ा करके ना तो जाना कि हमने वहाँ जाना है, वहाँ जाएंगे तो हमें ईदी मिलेगी, हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हम जा कर ना तो मज़े करेंगे, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा वो दिन याद आते हैं। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम लोग कमाते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी इनकी खिदमत करें और हम लोग जो ना अब इनको जो ना ईदी दें, ठीक है। तो यही जो ना खुशियाँ होती हैं, यही एक मौके होते हैं कि जब आप लोग जो ना अपने जो ना बुज़ुर्गों के साथ इकट्ठे होते हैं, और यही एक जो ना रिश्ते हैं अहम है। तो अभी मेरे नानी भी आए हुए हैं और मेरे नाना जान भी आए हुए हैं, तो नानी जान और नाना जान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नानी ईद मुबारक। नाना जी ईद मुबारक। हाँ, तो अभी जो है नानी और नाने को जो आप ईद दी जाएगी जो मेरी तरफ से होगी, तो नाना जी घुमाने ये नानी जान अगर तुम दिंदे रहे हो छोटे होंगे, हूं साढ़ा फर्ज बनता है ना। चलो चलो बहुत दे। आमीन आमीन। तो बस बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, तो जो ना हमारा यही है कि अपने समय जो ना हर कोई ये अपने बुजुर्गों की खिदमत करे ताकि अल्लाह पाक और ज़्यादा जो ना वो देता है। तो अभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है और घर के काम नहीं खत्म होते, छोटे छोटे काम, कभी बाजार से ले आओ, कभी बाजार से वो ले आओ। था वो बस यही था आपके साथ थोड़ा सा जो ईद का डे है वो शेयर किया है कि किस तरह से जो ना ईद की मसरूफियाँ चलती हैं और क्या सब कुछ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।